नमस्कार, मैं जीतू शुक्ला सारे भोजपुरी समाज को प्यार से दिल से वंदन अभिनंदन है, प्रणाम करता हूँ। और इस टाइम हम मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से यहीं पे शूट कर रहा हूँ। और गंगा जी हमारी माँ के पावन धाम में यहाँ पे हैं, बहुत अच्छा लोकेशन है और शूट कर रहे हैं। फिल्म का नाम है प्रेम रोगी, डायरेक्टर हैं अखिल हैदर जी और इसके प्रोड्यूसर हैं नंदलाल आर पांडे जी। मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा, हमारे हीरो हैं आशीष सिंह बंटी जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और ये मुस्कराते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है। हमारे साथ में 3-4 फिल्में किए हैं जो कि पहली फिल्म हमारी थी बैरी कंगना 2, तो बहुत ही हमारा इनका तालमेल बड़ा अच्छा है। और इसी के साथ में हमारे जो बाएं साइड में है ये है शिल्पी सिंह, प्यार से इनको बबली बोलते हैं और हम प्यार से इनको बंटी जी बोलते हैं। तो हमारे साथ में बंटी और बबली दोनों जन साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है, जबकि ये ठंड का मौसम है और दोनों जन हमारे हीरो और हमारे हीरोइन दोनों जन पहने हुए हैं और मुझे गर्मी नहीं लग रही है, मैं कुछ भी पहना नहीं हूँ, ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी मुझे जितना चाहिए तापमान मिलते जा रहा है दोनों तरफ से, बंटी और बबली की तरफ से। नमस्कार, मैं अभिनेता आशीष सिंह बंटी। ये फिल्म प्रेम रोगी जिसका नाम है और इसके प्रोड्यूसर हैं नंदलाल आर पांडे जी और इसके डायरेक्टर हैं अकील हैदर जी और DOP रोहित एवले। बहुत ही अच्छी फिल्म बन रही है, मिर्ज़ापुर में शूट हो रहा है माँ विंध्यवासिनी धाम के पास, तो माँ का आशीर्वाद है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। और फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है, आप सभी देखेंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। एक पारिवारिक फिल्म है और जिसमें विलेन के रूप में जीतू शुक्ला जी, अनूप अरोरा जी हैं और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिसका सभी लोग का अच्छा सहयोग मिल रहा है। हमेशा हीरो और हीरोइन एक साथ बैठते हैं तो अच्छा भी लगता है, बट मैं बीच में बैठ गया हूँ तो कुछ थोड़े से सहमे हुए हैं, लेकिन बड़े अच्छे इंसान हैं ये, कुछ नाप तोल के बोलते भी हैं, कम बोलते हैं, जिसे मतलब हम एक फिल्मी अंदाज में बोलते हैं कि पहले बहुत पहले फिल्म में जो हीरो थे चिंटू जो जिसे हम बोलते थे कि ऋषि कपूर हैं हमारे भोजपुरी के, बड़े अच्छे मुस्कराते हैं, बड़े अच्छी एक्टिंग है, हेयर स्टाइल है अच्छा और देखते भी बढ़िया हैं, तो आधा मुझे देखते हैं आधा हीरोइन को देखते हैं तो अच्छा है। और स्टोरी में बहुत अच्छी फिल्म हमारी है जो प्रेम रोगी, उसमें हमारे दमाद जी बने हैं तो हो सकता है अभी करेक्टर में है, ये कुछ होते हैं ना कि अभी तक करेक्टर निकल नहीं पा रहे हैं, तो एक बार एक करेक्टर में जाने के बाद इनको निकलने में कई टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है, तो कुछ ऐसी भी बातें हो सकती है। तो अच्छा है फिल्म प्रेम रोगी, एक लव स्टोरी है। नहीं सही बात है, अभी साउथ में बहुत सारी फिल्में किए हैं और अच्छे अच्छे हीरो के भी बॉडीगार्ड रहे हैं। अभी फ़िलहाल मेरे साथ है मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरा भाई है, मुस्कराता कम है गुस्से में ज़्यादा रहता है, अभी भी ध्यान उसका जो है कुछ ऐसे ही लगा हुआ है, जो कि पिंटू पांडे जी हैं, बहुत अच्छे हैं और गजब की एक्टिंग है। तो बस साथ है हमारे भाई लोग का और आप लोग का आशीर्वाद है, बस मैं तो चाहता हूँ कि भोजपुरी में जो बोलते हैं ना कि एक नया फिल्म बन रही है, तो बहुत सारे फिल्म बन रहे हैं लेकिन प्रेम रोगी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट पे बन रही है, स्टोरी बहुत तगड़ी है। इसमें क्या हो जाता है कि प्रेम रोगी में प्रेम सही पूछो तो 2-3 लोग को लग गया है, रोग होता है ना रोग, वो एक को नहीं लगता है, एक को लगा है तो 3 को लगता है, 4 को लगता है, तो प्रेम रोगी में भी यही हालत। नहीं प्रेम रोगी में मेरा इसलिए शामिल नहीं है कि मेरी मतलब जो होता ना रोग जो लगता है कहीं ना कहीं अटैचिंग है, वो रोग आप छुड़ाने में लगे हुए हैं, वो रोग को ऐसा मिटाना चाहता हूँ कि दोबारा कभी लाइफ में कोई भी प्रेम करने वाला प्रेम रोगी ना बने, इसीलिए। नमस्कार, मैं शिल्पी सिंह। सर ने सही कहा, प्रेम रोगी है लेकिन प्रेम के खिलाफ हमारे विलन सर हैं, बट प्रेम जो है एक रोग है, लेकिन रोग को इसमें जहाँ मोहब्बत है तो इसमें मोहब्बत को बढ़ावा भी है और मोहब्बत के साथ साथ इसको रोग ना बनाया जाए, इसी मूवी में इसको दिखाया गया है जी। मेरा तो सर के साथ नाम जोड़ ही गया है, कोशिश तो है, प्यार देखिए छिपने वाली चीज़ तो है नहीं,
स्टार्टिंग में छिपती है बट आगे आके तो दिखना ही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी तक जो मूवियाँ आई हैं उसमें ये सबसे बेस्ट जा रहा है प्रेम रोगी, क्योंकि इसमें प्रेम भी है, पारिवारिक भी है और जो गलत चीज़ें हैं उसको इग्नोर भी करने की इसमें जो सीख दिया जा रहा है वो बेस्ट है। किया तो नहीं लेकिन अभी इसमें कर लेंगे, इस मूवी से लगा कोशिश है जी, बगल बैठे जी बिल्कुल सोचा बताए। ये हमारे हीरो सर बताएंगे, मंटी जी ये शर्माएंगे, मुझे बताना पड़ेगा। देखिए प्यार दोनों तरफ से होता है और प्यार एक पूजा है, प्यार में कृष्ण ने भी और राधा ने भी किया है, उनकी भी कथाएं आज पूरे युग में गाई जा रही है, ये प्रेम रोगी की भी कथाएं हर लोग में हर हमेशा गाई जाएंगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बताया ना प्यार करने वाली बात, तो प्यार करने वाली बात ये फिल्म जो है वो प्रेम पे है, प्रेम प्यार, लेकिन उसको रोगी बना देता है कौन, जो कैरेक्टर होता है, जो विलन होता है। प्रेम को प्रेम रोगी जो बनाया है तो वो आपके सामने मैं ही हूँ, तो इसलिए मैं एक कभी नहीं हो सकता है ये बंटी और बबली ये मिले, ये 100% नहीं मिल पाएंगे, भले मुस्कुराए छिपे प्यार करें जो भी प्यार है। जो हमारा दुश्मन है और इस मूवी में यही बात साहब दुश्मन है। मैं तो प्रेम का समर्थन करता हूँ और विरोधी लोग हैं ये सब, विरोध करते रहते हैं, प्यार के दुश्मन है ये अच्छे से बखूबी नहीं हुआ पाते, ये बखूबी कह पाएंगे, इजहार भी अच्छे से करेंगे कतई नहीं, ऐसा 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 कोई भी परमिशन नहीं दे सकता जो समाज के अंदर बुरा प्रभाव पड़े। मैं चाहता हूं कि सारे लोग अच्छे से रहें और जो माँ बाप बोलें, माँ बाप के बात बोलने पे वो उन्हीं से शादी करें, उनसे मिलें, उनसे जो पहले की प्रथा थी आज भी ऐसे रहें, क्योंकि जो संबंध बनाते हैं माँ बाप वो बहुत अच्छा प्यारा होता है, और जो बच्चे होते हैं वो लव तो कर लेते हैं, प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं, इसलिए मैं चाहूँगा कि प्यार करें लेकिन थोड़ा हिसाब से देख के, माँ बाप को पहले, माँ बाप उसके बाद दूसरा प्यार जो भी है। ये दरअसल में पर्दे के पीछे वाला प्यार करते हैं और फिल्म में ही हो जाता है इनको प्यार, इसलिए तो बात अलग है कि फिल्म में ये विरोधी हैं, पसंद नहीं करते हैं लेकिन ऑफ स्क्रीन तो भाई इनकी मिसालें ऐसा नहीं है। बोलते हैं ना कि भाई बोला भगवान बोला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत शर्मिला हीरो है मेरा जी। ये प्यार है मतलब उनका कि सारा प्यार हमारे ऊपर न्योछावर कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि देखिए बबली एकदम ध्यान से एकदम प्यार से आँखों से देख रही है, तो इसलिए बोल रहे हैं वो मुझे नहीं देख रहे हैं, उनकी आंखें ध्यान से देखना तो वहाँ पे है एक दूसरे के, मैं तो बीच में एक गैप रखा हूँ ऐसा जी नहीं, ऐसे कोई बात यही सब है, ऐसा कुछ बात नहीं है हमारे तरफ से, बस अच्छे से फिल्म पूरी हो जाए और सारे ही यूनिट के सारे ही लोग बहुत अच्छे हैं। अभी रात हो गया है और हम लोग यहाँ मिर्ज़ापुर के खुटहा गाँव है वहाँ पर हैं, शूट चल रहा है, अभी भी शूट उधर चल रहा है, इसके डांस मास्टर ज्ञान सिंह जी हैं जो कि बहुत अच्छे से शूट करा रहे हैं, अभी हम लोग को थोड़ा सा समय मिला तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे गपशप करने लगे, बस ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। मिलेगी सबसे पहले आपको बताऊँगा भाई, इस कोरोना काल में कहीं बाहर तो मना नहीं सकते, हाँ लेकिन ये है कि हमारे ज्ञान मास्टर जी थे, मनाएंगे कहीं ना कहीं मनाएंगे, ढूंढेंगे, अगर कोई अच्छे समय पे मिल गया तो जरूर, हाँ मिल गया तो मनाएंगे, नहीं अभी तो टाइम है, अभी वैलेंटाइन डे आने में टाइम है, टाइम के पहले पहले यहाँ मना लेते हैं, उसके बाद फिर भी 14 तारीख अरे बाकी है, मैं तो वैलेंटाइन 14 तारीख बाकी है, जीतू शुक्ला जी को मनाना है अभी फिलहाल, तो हीरो है ना 14 फरवरी, अरे बहुत है अभी टाइम, देखेंगे अभी सोचेंगे माहौल कहाँ होगा, कहाँ शूट होगा, फिर अगला जो कदम कहाँ होगा। मैं तो अभी सही अगर पूछते हो तो मैं सोचता हूँ कि मनाना उसी दिन जो है तुलसी पूजा है या और त्यौहार है, मैं चाहता हूँ कि अपने माँ बाप के साथ रहूँ, मैं बस प्यार और दुलार मेरे माँ से और मेरे बाप से, पिताजी से, मेरे पापा से मिले बस, और तो ठीक है, बाकी तो सब सबका प्यार मोहब्बत है ही है। सर देखिए वैलेंटाइन डे तो अपना कल्चर है नहीं, बट आजकल के बच्चे जो जनरेशन है मोहब्बत में अपना जो भी है वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, बट हमें लगता है कि जो वैलेंटाइन डे है रियल में जो अपनी यूनिट के साथ बैठ के हम लोग अभी जो इंजॉय कर रहे हैं इससे कहीं अच्छा वैलेंटाइन डे नहीं है। तो अभी 14 रोज आने में वैलेंटाइन डे टाइम है, लेकिन मुझे लगता है कि जो वैलेंटाइन डे का जो खुशियाँ हैं वो अभी इस सेट पर हम लोग को मिल रही हैं। देखिए रोज़ देना बड़ी बात नहीं है,
रोज डे के सारा रोज डे मिले ना सारा का सारा दिन हम भाई पूछेंगे। ये है कि यहाँ जो रोज से ज्यादा मोहब्बत है, यहाँ अपने जो सर हैं, हमारे सीनियर लोग हैं, जो डायरेक्शन है, उन लोग को अगर हम लोग गुलाब दें या फूल दें या उनके आशीर्वाद दें, सबसे बड़ा चीज़ उनका चरण स्पर्श करें, सबसे बहुत बड़ा सबसे ज़्यादा वही वैलेंटाइन डे। उस टाइम पे समय समय देखते हुए कहीं दूर जाना, कहाँ शूट हो रहा है, कैसे हैं, और यहाँ पे कैसे सारे आर्टिस्ट जो हैं एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है, प्यार जो है मतलब आपस में प्यार करते हैं, तो जैसे हमारे सब हाँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसे ही जुड़े रहते हैं, टीम है, साथ में काम करते हैं, एक अच्छा फीलिंग होता है। सही बात जी है, तो ये हर जगह पर रिश्ता बना ही लेते हैं, है मजबूरी है, हमारा रिश्ता इसलिए बनाते हैं कि देखो क्या होता है कि हम इतने सताए हुए आदमी हैं, हमको तो हीरोइन से परेशानी, हीरो से परेशानी, सारे लोगों से परेशानी, हीरोइन लोग बहुत सताती हैं, बहुत सताती हैं, सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं विलन से। अभी जैसे कि ये फिल्म है, एक फिल्म में जो हीरोइन है वो लड़की ही मेरी बनी हुई है, अब वो इतना सताई है, मैं उसको बहुत लाड प्यार करता हूँ, बहुत बहुत बहुत, लेकिन मेरी नहीं सुनती ना, वो किसी और से प्यार कर लेती है।